हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऐटो शो में जिसका नाम है के गुट्टेज ऐटो शो। टाटा ने लॉन्च की है नेक्स्ट जनरेशन सफारी। ये बहुत ही खास है क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हुई थी 1998 में। पॉलिटिशियंस की और रसूखदार लोगों की पहली पसंद थी ये टाटा सफारी। अभी टाटा ने इसे रीलॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी इस सेगमेंट में। प्रोफाइल है ये बहुत ही खास है क्योंकि इसका क्रोम स्टडेड ट्राई एरो फ्रंट ग्रिल इसको दिया गया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसके जो रूफ रेल्स है उसमें सफारी नाम की ब्रांडिंग की गई है, और फ्रंट में इसको जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं विथ डे टाइम रनिंग लाइट्स। इसके साथ बैक में सिग्नेचर ट्विन लाइट एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो हैरियर की तरह ही दिखते हैं। इसके जो व्हील्स है वो 18 इंचेस के हैं और वो मशीन कट अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं जो स्टर्डी और रफ रोड्स के लिए खास माने जाते हैं। और इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें सिग्नेचर एशवुड डैशबोर्ड दिया गया है जो इसको बहुत ही एनहांस करता है। इसमें क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं, एलईडी टच इंफोटेनमेंट इसके साथ दिया गया है, और इसमें सिग्नेचर ऑयस्टर वाइट इंटीरियर कलर थीम दिया गया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है इसको। और इसमें एक लेदरेट अपहोल्स्ट्री इसके साथ दी गई है। इंटीरियर में आपको ये दो मॉडल में अवेलेबल है, एक तो 6 सीटर और 7 सीटर। जो 6 सीटर है फ्रंट 2 सीट्स और मिड रो के 2 कैप्टन सीट दिए गए हैं और पीछे 2 सीट्स दिए गए हैं, और जो 7 सीटर है उसमें मिड कैप्टन सीट के बजाय उसमें एक बेंच सीट दिए गए हैं जो 3 सीटर है जो उसको 7 सीटर बनाता है। सफारी का जो आर्किटेक्चर है उसका जो प्लेटफॉर्म है ओमेगा RC जो हैरियर का भी वही है जो लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म से लिया गया है। इसका जो इंजन है वो 125 किलोवाट 170 PS एट 3750 RPM का इंजन है जो मैक्सिमम टॉर्क 350 Nm टॉर्क निकालता है, और ये क्रायोटेक 2.0 टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो BS6 का है। ये जो इंजन है वो 6-speed ऑटोमेटिक और 6-speed मैनुअल ये दोनों में भी आता है। इसका डायमेंशन लंबाई चौड़ाई और इसकी हाइट देखी जाए तो इसकी लंबाई है 4661 mm, इसकी चौड़ाई है 1894 mm, और उसकी हाइट है 1786, और इसका व्हील बेस है 2741 mm। इसमें चारों टायर को डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, उसके टायर्स जो 18 इंच के हैं, जो स्पेयर व्हील है वो 16 इंचेस का है, और इसका जो बूट स्पेस है थर्ड सीट अगर हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो 447 लीटर का होता है, और सेकंड और थर्ड रो अगर फोल्ड करते हैं तो 910 लीटर का हो सकता है। इसका जो कर्ब वेट है वो है 1825, और इसकी टैंक कैपेसिटी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 50 लीटर की है, जो DEF टैंक जो है वो 15 लीटर का है। सीटिंग कैपेसिटी 6 सीटर और 7 सीटर ये दोनों में भी अवेलेबल है। इसमें पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऐटो होल्ड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें ESP टेरेन रिस्पॉन्स मोड है जो नॉर्मल वेट और रफ ये तीनों मोड में आता है। इसमें 8.8 फोल्डिंग आइलैंड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है विथ 9 JBL स्पीकर्स, ये उसकी खासियत है। सफारी 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, एक तो ब्लू, दूसरा वाइट और तीसरा ग्रे, ये तीनों कलर बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स है।
इसके बाद ये जो गाड़ी है ये 22 फरवरी से ग्राहकों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। बुकिंग्स ओपन है, ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है, 30,000 रुपये में आप इसको बुक कर सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ये आपको 15 लाख से 22 लाख के दरमियान आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है तो आप उस मैसेज बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, इसके आंसर्स आपको मैं दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। हैव अ नाइस डे।